नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। जहां से अडवाणी जी सांसद रहे वहां से चुनाव लड़ना मेरा सौभाग्य। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रोड शो के बाद गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। रोड शो में अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। अमेरिकी सामानों पर लगने वाले जवाबी शुल्क की डेडलाइन भारत ने फिर बढ़ाई। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि अमेरिकी सामानों के आयात पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की डेडलाइन को 1 अप्रैल से बढ़ाकर 2 मई किया जा रहा है। जिन अमेरिकी सामानों के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है उनमें बादाम, दाल और अखरोट समेत अन्य सामान शामिल हैं। इस बार आईपीएल के ये है सबसे खौफनाक गेंदबाज। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं। टीम सऊदी की औसत गेंदबाजी करने की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रफ्तार से गेंदबाज करते हुए टीम सऊदी लगातार बल्लेबाजों को छकाते रहते हैं। टीम सऊदी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से पहले राजस्थान रॉयल टीम की ओर से खेल चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा बोली, पापा ने बीजेपी छोड़ने में देर कर दी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस ज्वाइन करने पर एक बयान दिया। सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता के कांग्रेस ज्वाइन करने से काफी खुश हैं। उनके अनुसार अब उनके पिता बिना किसी दबाव के बेहतर तरीकों से काम कर पाएंगे। सोनाक्षी ने कहा कि मेरे पिता को यह निर्णय काफी पहले ले लेना चाहिए था। श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले के पास से गुजर रही कार में संदिग्ध विस्फोट, जवानों की गाड़ी क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक सेंट्रो कार में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है ये विस्फोट जवाहर टनल के नजदीक हुआ है। वहीं जब ये हादसा हुआ तब सीआरपीएफ के 40 से 45 वाहनों का काफिला भी हाईवे से गुजर रहा था, जिससे सेंट्रो कार के साथ साथ सीआरपीएफ के एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है। इस वाहन में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान सवार थे। फारूक को पुलवामा पर शक, कहा क्या कभी मोदी छत्तीसगढ़ गए फूल चढ़ाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार पुलवामा आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। फारूक ने कहा कि कितने सिपाही हिंदुस्तान के शहीद हुए छत्तीसगढ़ में, क्या कभी मोदी जी वहां गए उन पर फूल चढ़ाने के लिए, मगर वो 40 लोग सीआरपीएफ के शहीद हो गए उन पर भी मुझे शक है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।